क्या नाम है आपका? मैं द्वारका बाई। कहाँ से आए आप? खूमी से। क्या क्या किसके पास आए थे आप? क्या समस्या लेकर आए? हम जमीन का मारपीट हुई सर। किसने किया आपके साथ ही मारपीट? ये भगवान दास ने और संतोष ने और अशोक ने और तीन इंसान ने पकड़े, रामदीन ने और चरणलाल ने, बल्लू ने और लाल चापड़ राजेश। किस बात पे मारपीट हुई थी आपकी? ये खेती जमीन का विषय। तो यहाँ किसके पास आए थे आप, किस अधिकारी के पास आए थे? एसपी साहब के पास आए थे। फिर क्या हुआ, किससे मुलाकात हुई? मैडम से। क्या कहा उन्होंने? कानून कार्रवाई करेंगे। हाँ। कितने दिन का बोला है? दो तीन दिन का बोला है। हाँ। और क्या समस्या है आपकी? और उनने पैसा भर दिया जी, और बस थाना कोई सुन ही नहीं कर रहे, और धारा कमजोर लगाई दी हमारा, और बस हमने हमारे बच्चा का बदबास जीवित कर दिया, और अभी बोल नहीं दिया है। क्या क्या हो रहा है इसको? इसका बोली बंद है अभी, और बदवास अभी भी होगा, जीव में ठिकाना नहीं ना कहीं नहीं, और बदवास जीवित कर रहे हैं, और अभी इलाज चल रही है। बोलने में बिल्कुल असमर्थ है? नहीं बोल पा रहा है। और किसको लगी थी आपके? और मेरा हाथ में लगी, ये बच्चा का काका लगे ले, ये राजा का मर छोरो राजो है, विष्णु भी मर छोरो है, और उनकी माँ हूँ मैं द्वारका बाई, और मरधनी के भी लगे थे, उन्होंने पकड़ के और फिर यहाँ लगी है उनका चोट। और अमलिया, ये कहाँ का मामला है पूरा? खूमी का। ये कौन से थाने, कौन सा थाना? रेडगांव थाना लगता है। हाँ। वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने? रुष्वत द्वारा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना सुने ही नहीं करी हमारी। उन्होंने पैसा खिला दिया उनको? पैसा खिला दिया उन्होंने, 50-60 हजार रुपया उनको मुँह से बकरिया में। तो ये बात आपने अधिकारी से कही? नहीं की। कलेक्टर में? नहीं की। जी आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम राकेश ककोड़िया, मैं जयास से जिला अध्यक्ष हूँ, और आज जो फरियादी आए ग्राम खूमी से, जिनके द्वारा कुछ पारिवारिक लोग, समाज के लोगों के द्वारा भयंकर मारपीट की थी, धारदार हथियार कुदाली से वार किया था, जो गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ते थे, लेकिन रेहड़गांव पुलिस के द्वारा आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं थी। मैं शासन प्रशासन और एसपी महोदय से कहना चाहता हूं कि तत्काल कार्रवाई करें, ऐसे कार्रवाई नहीं होने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, इसलिए मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ना बख्शा जाए। धन्यवाद।